हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे हो। थैंक यू सो मच। देखो देखो क्या है, दिखाइए तो कैसा माइक है। बोया गाइज, ये बोया का माइक है, क्योंकि बोया का माइक अच्छा होता है। अगर आप लोग भी इसे यूज करना चाहते हैं तो आराम से कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस ब्रांड में डीजीटेक के माइक से ज्यादा बोया का माइक अच्छा होता है। देखिए ये वाला बहुत हेवी माइक है। देखिए गाइज, ये कितना बड़ा माइक है ये। लेकिन आप इससे दूर दूर का, और ये है ना, आप है ना रोड पे बाहर बार जाएंगे, अगर ये इस माइक के अंदर लगा लेंगे तो ये है ना साइड का आवाज आने से, रोड का आवाज आने से रोकता है। और ये दुनिया में बहुत पॉपुलर माइक हो गया है। ये हम लोग बहुत रिसर्च के बाद ये वाला मॉडल खरीदे, बोया BYMM 1+। मैं बोल रही हूँ बोया का MM 1+। पता नहीं इसका आवाज कैसा आ रहा है, मे बी रिकॉर्ड हो रहा हो, सुनाई दे रहा होगा आप लोगों को। ये MM+ MM 1+ का आवाज है। ये पूरा झाड़ू पोछा का काम चल रहा है। आप तो पूरी कामवाली बाई बन गई हैं। आपका नाम आज से कामवाली बाई रख दूं क्या? रख दीजिए। आप कामवाली बाई नहीं है, मेरी बाई है। बाई? बाई मतलब बीबी होता है मराठी में। ओके, मेरे को नहीं पता था। नहीं पता था आपको? नहीं। सही में? नहीं पता। हम लोग नहा कर आ गए हैं, और अंश के डैडू को मैं कब से बोल रही हूँ कि जाइए नहाने, नहीं जा रहे हैं। देखिए क्या कर रहे हैं, इतना छोटा सा। मैं बोली कि आ रही हूँ पड़वल का भुजिया, बाकी था बनाना, आ रही हूँ मैं बना रही हूँ, और इतना छोटे से कढ़ाई में पड़वल का भुजिया बनाए जा रहे हैं। क्यूट कढ़ाई है, एकदम छोटा सा क्यूट। अब पता है ये कढ़ाई किस लिए खरीदा गया था? ताकि मम्मी मेहंदी लगाने के लिए, मैं हेयर में पहले मेहंदी लगाती थी ना, मुझे मतलब मेहंदी लगाना अच्छा लगता था, तो उसी समय मम्मी जब यहाँ पर आई थी ना तो ये वाला लोहा का कढ़ाई खरीदी। मेरे हस्बैंड है ना, जब से मेरी काम वाली गाइज नहीं आ रही है ना, तब से ये है ना, जब भी इनको टाइम मिलता है ऑफिस से आते तब भी मेरा बहुत ज़्यादा हेल्प कराते। अगर ये नहीं रहते ना तो पता नहीं मेरा क्या होता, मेरा कंडीशन है ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता। ना ही मैं शॉर्ट्स वीडियो बनाती, ना ही मैं लॉन्ग वीडियो बनाती, ना ही मैं कुछ भी नहीं करती, बस नॉर्मल खाती पीती सोती। तो ये सही है कि अगर हस्बैंड सपोर्टिव नहीं होना तो औरत कुछ नहीं कर सकती है। गाइस मैं आपको है ना एक चटोर व्यक्ति से मिलाती हूँ। वो मेरे घर का सबसे चटोर व्यक्ति है। पता है क्या है, व्यक्ति नहीं, वो मेरा सबसे खास और प्यारा आदमी है। मैं आज आपको उससे मिलाती हूँ। वो बहुत बेचारा बहुत मेहनत करता है, डाइटिंग करते हैं, वो बहुत जिम जाते हैं, फिर भी उनका हाल बहुत ज़्यादा बुरा है। जैसा कि आप ये गाइस, ये सुबह में ज्वारी का रोटी खाए हैं, और कि मैं पतला हो जाऊंगा, इनको शादी में जाना है अपने ससुराल यानी मेरे मैं के, तो मैं पतला हो जाऊंगा और मैं अच्छा स्मार्ट दिखूंगा, जिसके कारण ये डबल मेहनत करते हैं जिम में। और अभी मैंने इनको दूध लाने के लिए भेजा था, तो ये लेकर आए हैं फास्ट फूड, मिसल पाव। ये फास्ट फूड नहीं है, ये मुंबई का फेवरेट खाना है। मेरे को भी लेके बैठे हुए बेड पे कि स्वीटी नहीं खाना है तुमको, स्वीटी नहीं खाना। गाइस बताइए, इतना मैं मरमर के मेहनत करती हूँ यही सब खाने के लिए, यही सब खाने के लिए मेरे लिए एक और। आइए देखिए, बच्चा को भी बैठाए हुए हैं। अभी मैं चाय बना रही हूँ, जस्ट वीडियो भी बनाने नीचे जाना है, तो अंश और अंश के डैडू अभी सो रहे हैं। तो अभी शाम के समय है ना, हम लोग चीनी डाल के चाय नहीं पीते, जेगरी वाला ही चाय पीती हूँ मैं। तो आप लोग भी ट्राई करके देखो, चाय बना के इसके बाद मैं जेगरी डाल देती हूँ, जो बहुत अच्छा लगता है। एक बार आप मेरे कहने से ट्राई करके देखना। ये देखिए पाउडर दिख रहा होगा आपको, आराम से पाउडर घुल जाता है और टेस्ट भी अच्छा आता है। देखिए गाइस कैसे सो रहे हैं मस्त होकर अंशु और अंश के डैडी।
घर में मेरे शादी पड़ा हुआ है, पूरा शादी, और कोई शॉपिंग नहीं हुआ है अभी तक। शॉपिंग ऑनलाइन, कस्टमर इनका कस्टमर है, जो कोट का भी शॉपिंग, कोट का उनका बहुत बड़ा फैक्ट्री है, शेरवानी का फैक्ट्री है, और मेरे दुकान तो खुद लहंगा वहंगा बिकता ही है। मैंने वहाँ से, मेरे डैडी ने कल लहंगा रेडी खुद करवा दिया। और सर जी देखिए, कस्टमर से मंगाए जा रहे हैं और घर बैठे बैठे शॉपिंग हुआ जा रहा है। देखो कैसा है शेरवानी, देखिए गाइस, अभी हम लोग शूटिंग के लिए रेडी हो चुके हैं। आज सर जी का छुट्टी है ऑफिस में, तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना पाए बना रहे हैं। तो आज हम लोग अभी जा रहे हैं नीचे शूटिंग करने, तो मैं रेडी हो गई हूँ। पावर नैप मार लूँ, वीडियो बनाते हैं, जितना हम लोग इंजॉय कर करके वीडियो अपना बनाते हैं, नीचे खेलते भी हैं अंश के साथ, और वीडियो भी बनाते हैं ना अंश। इंडियन वियर ही हम लोग हमेशा शूटिंग में, मैं ज़्यादा पहनना पसंद करती हूँ, वेस्टर्न तो हमेशा पहनती हूँ, लेकिन अभी शूटिंग में मुझे इंडियन ही अच्छा लगता है। ओके, गाइस देखिए कितना अच्छा साफ हुआ है फिश टैंक। तो हम लोग अभी जा रहे हैं नीचे। मैं बोल रहा हूं मॉम, गाइस अभी हम लोग का वीडियो आपको पसंद आता है और हम लोग का शॉर्ट्स भी आपको पसंद आते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आप अभी जाते तो दूसरे भी कमेंट शॉर्ट्स के भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा ब्लॉगिंग के बारे में, तो ठीक रहेगा। अगर आप ब्लॉगिंग में बताएं कि स्वास्थ्य के बारे में, तो तब भी हम देख लेंगे। हम अपने चैनल को हमेशा देखते रहते हैं। चलिए, वीडियो आप लोगों को कैसा लगता है? अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है, अगर नहीं अच्छा लगता है, क्या कमी है क्या नहीं कमी है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम लोग अपनी कमी को सुधारने की कोशिश करेंगे। मे भी हो सकता है आप लोगों को नहीं अच्छा लगता हो वीडियो, वो भी बताइएगा। और गाइस, मैं कभी कभी ही मेकअप करते, देखिए मेरे हस्बैंड सुन रहे हैं क्या मैं बकवास मारे जा रही हूँ। मैं कभी कभी ही वीडियो में इतना रेडी होती हूँ, नहीं भी रेडी रहती हूँ, अच्छा नहीं लगता होगा देखने में। क्या रेडी हुई हूँ, कुछ नहीं, बस लिपस्टिक लगाया है ना, बस लिपस्टिक लगाया है, नहीं फाउंडेशन लगाती हूँ, नहीं पाउडर लगाती हूँ, नहीं कुछ लगाती हूँ। मुझे ज़्यादा रेडी होना नहीं पसंद है। अंश के साइकिल में हवा भरा रहा, और डैडू हवा भरने का बिजनेस कर ले, बदमाश। इसका साइकिल में हवा कम हो गया था, जिसके बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गया था। वो रूटीन खत्म हो गया है, अंश अभी साइकिल चला रहा है, जाएगा। देखो ना, ये जाके लिफ्ट के पास बैठ गया, आजकल घर में नहीं जाना चाह रही है। क्यों? मेरी क्यूटी नाम है, क्यूटी कभी मेरे को नहीं बोला गया होगा, इनको बोला जा रहा है। थप्पड़ मार, थप्पड़ मार, थप्पड़ मार, थप्पड़ मार, थप्पड़ मार। अब दूसरा क्या खाने की है भाई? चिकन मटन चाहिए, चिकन मटन चाहिए। थप्पड़ मार इसको, थप्पड़ मार, थप्पड़ मार। तू जो बताओगी मैं दे दूंगा थोड़ा। देखो इसको थप्पड़ इसी के हाथ से लगवा रहा हूं। थप्पड़ मार, मार थप्पड़। ये देखो कितने साफ है। और ये देखो, ये कौन सा हिस्सा है पापा? इतना बैलून जैसा फूला हुआ पंजा है। गाइस, यहाँ पे अंश सो गया है, मेरा बेबी। और अंश के डैडू का आदत है जेंट्स लोगों का मोबाइल पेड़ पेड़ के रात में मोबाइल का। कल छुट्टी है तो आज रात में मोबाइल चलाना है, जब तक मन करेगा तब तक चलाओ, चलाते रहो चलाते रहो। ना मम्मी है घर में, ना पापा है डांटने वाला, वाइफ है तो वाइफ का बात कौन सुनता है, कोई नहीं सुनता है। तो चलिए गाइज, मैं ही सो जाती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय। और मेरा कुट्टू सो गया है, ये हमेशा आप लोगों को बाय बाय बोलता है, तो आज ये नहीं बोल पाएगा। तो चलिए बाय बाय, टेक केयर गाइस, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।